जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं। एसएमएस हॉस्पिटल में फोर सीलिंग यहां पर गिर गई। धनवंतरी ओपीजी में फोर सीलिंग गिरने का मामला सामने आया। ओपीजी नंबर 10 में फोर सीलिंग यहां पर गिर पड़ी। मरीज कम होने के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, एसएमएस हॉस्पिटल के धनवंतरी ओपीजी में फोर सीलिंग गिर गई। हालांकि उस वक्त वहां पर लोग मौजूद नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ओपीजी नंबर 10 में यह हादसा हुआ। मरीज कम होने के चलते एक बड़ा हादसा होने से चल गया। एसएमएस अस्पताल में फोर सीलिंग जमीन पर आ गिरी। तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से जमीन पर गिरी हुई है फोर सीलिंग। चूंकि राहत की बात यह है कि उस वक्त वहां कुछ लोग नहीं थे, और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता लोकेश ओला फिलहाल फोन लाइन पर जुट चुके हैं। लोकेश, एसएमएस हॉस्पिटल में फोर सीलिंग गिरने का यह मामला सामने आया, क्या पूरी घटना रही और किस प्रकार से लोग वहां पर बच पाए, क्योंकि लोगों की कमी थी, मरीज कम थे वहां पर। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, बीते 12 घंटे में एसएम अस्पताल में दो बड़े हादसे हुए, जिसमें एक हादसा तो देर रात जो बात करें तो एसएम अस्पताल के लैब के अंदर आग लग गई, और दूसरी बात जो आज एसएम अस्पताल के धनवंतरी सर्जिकल ओपीडी में फोर सीलिंग गिर गई। हालांकि इन दोनों जमीनत यह रहेगी इन दोनों में किस तरह की जनसुनी नहीं हुई, किस तरह से एसएमएस अस्पताल में ये दो बड़े हादसे, उसमें सिविल वर्क के जो खामी थी वो निकल कर सामने आई है। एसएमएस अस्पताल में जिस तरह से ये हादसे लगी, तो मौके पर जो तमाम इंतजाम जो करवाए और वहां से पूरे करवाया गया। इस दौरान बात करें तो एसएमएस अस्पताल में जो मेडिकल कर्मचारी और मरीज थे, जब पोस्टिंग गिरी तो वो दूर खड़े थे। ऐसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई और किसी तरह का जो हादसा है वो नहीं हुआ। हालांकि मरीजों की संख्या कम होने के चलते भी जहाँ पे सिटिंग होती थी, जो चेयर लगी हुई थी, वहां पर ये फोर्सलिंग गिरी थी, और उस जगह पर जिस तरह से एसएमएस अस्पताल में जब मरीजों की संख्या अधिक होती थी, वहां पर जो मरीज है उनके बैठने की व्यवस्था होती थी, और उसी जगह पर ये फोर्सलिंग गिरी। हालांकि आज शनिवार था और साथ ही कोरोना के चलते ही इस तरह एसएमएस अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की संख्या काफी कम होती है, और उसी के चलते जो बड़ा हादसा होने से आज कल गया है। लोकेश, एक और चीज जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से आपने बताया कि दो बड़े हादसे यहाँ पर हुए, गनीमत ये रही कि लोग नहीं थे तो लोगों की जान यहाँ पर बच पाई इस बाबत, लेकिन क्या अस्पताल प्रशासन की ओर से अब इस पर कोई बयान सामने आया है, और आगे ऐसी जगहों को जो अभी संदिग्ध है उन्हें चिन्हित करके कोई कार्य किया जाएगा वहां पर? जी देखिए, जिस तरह से पिछले 12 घंटे में जो एसएमएस अस्पताल केथ लैब और धनवंतरी ओपीडी में जिस तरह से यह हादसा हुआ है, ऐसा हादसे कई बार पहले भी सामने आ चुके हैं। एसएमएस अस्पताल में फोर सीलिंग गिरने की जो घटनाएं हैं वो पहले भी कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक ऐसा कोई इनकी निर्देश नहीं दिए गए हैं, ऐसा कोई बयान सामने आया है कि वो आगे किस तरह से काम करेगा। लेकिन इन दोनों हादसों ने सिविल वर्क की जो पोल थी वो खोल दी है। अब देखना ये होगा कि एसएमएस अस्पताल के जो नए सुप्रिटेंडेंट आए हैं वो किस तरह से अपने काम जो सिविल वर्क का काम हो किस तरह से करवाते हैं, और इस तरह से नया जो सुप्रिटेंडेंट बनने के बाद में पहली बार इस तरह के जो दो बड़े हादसे वो हुए हैं। जी 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 बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया लोकेश।